हाई एवरी वन वेलकम बैक टू दिस चैनल मेरा नाम है तृतिका एंड दिस इज ओ टू आई एस अकेडमी सो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के साथ में पिछले ऑगस्ट का पूरा करंट अफेयर्स पड़ा है तो पहला वीक करेंगे आज जिसमें प्री और मेन्स दोनों ही परस्पेक्टिव से जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं उनको दिखेंगे तो जो भी आपका एच पी जी के किसी भी इनफैक्ट टेस्ट में पूछा जाता है जो भी एच पी पी एस सी आगे करवाएगा टेस्ट उसमें करंट अफेयर्स से जो भी रिलेट करते हैं आर्ट एंड कल्चर हो गया या फिर जोग्राफी भी है तो करंट अफेयर्स हमें एक जगह नहीं मिलते यहाँ पर हम लोग एक ही जगह पे इसको कवर करते हैं ठीक है ये आपको किसी भी आ, हिमाचल के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा इनके जो पी हैं वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा वहाँ पर जाकर स्टडी मटीरियल सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में आप जल्दी से रिवाइज कर सकें और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी प्रेपरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो न्यूज़ हैं कुछ प्रीलिमिनरी फैक्ट्स हैं हमारे पास में देन वी टॉक अबाउट मेन्स रिलेटेड न्यूज़ एकदम से कोई भी टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग सिंस जो ज़्यादा न्यूज़ में थी वो क्या थे फ्लैश फ्लड्स हिमाचल में हमें बहुत सारे इस मानसून में इनफैक्ट बहुत सारे फ्लैश फ्लड्स देखने को मिले मर्ड लैंडस्लाइड्स लैंड स्लाइड्स और आप क्लाउड बर्स देखने को मिले अभी आ, ऐसा नहीं है कि एक जगह है आ, अलग अलग जगह थे और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ करीब डेढ़ सौ दो सौ के पास में टोटल नंबर ऑफ डेथ्स रही हैं अभी इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जैसे कि ये फ्लैश फ्लड्स होते क्या हैं और आ, हम लोग बात करें लैंड स्लाइड्स की मर्ड स्लाइड्स की तो ये क्या होते हैं हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं उसका क्या रीज़न है तो सबसे पहले अभी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा रीजन क्या है मानसून मानसून में ओवरऑल इंडिया की ही अगर हम बात करें तो करीब सेवन परसेंट ज़्यादा यूज़ुअल जितना रेनफॉल रहता है मानसून में उसे सेवन परसेंट ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिला इनफैक्ट पाकिस्तान में तो आपके ज़्यादा बड़े फ्लैश फ्लड्स भी हमें देखने को मिले उसी तरीके से हिमाचल में भी हिमाचल हो गया उत्तराखंड यानी कि हिमालयाज़ में भी जो है इंटेंस रेनफॉल देखने को मिला जिसकी वजह से बहुत सारे रैपिड मूवमेंट्स हुए रैपिड मूवमेंट्स में आपके मड स्लाइड्स भी आते हैं लैंड स्लाइड्स भी आते हैं तो क्या होते हैं लैंड स्लाइड्स ये है आपके लैंड स्लाइड्स यूजली क्या होता है कि जैसे ये आपका माउंटेन है जैसे बहुत सारी बारिश हो रही है तो वाटर के मूवमेंट से यहाँ पर जितना भी लैंड है वो डिस्प्लेस कर जाता है तो जैसे यहाँ से गया और पानी का जो मूवमेंट है वो यहाँ से रहा एंड देन जब पानी यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो ये सारा का सारा लैंड जो है अपने साथ में ले जाएगा और हमें इस तरीके से लैंड देखने को मिलेगा हिमाचल में एक और चीज़ जो बहुत सारी देखने को मिलती है दैट इज़ क्लाउड बर्स्ट दो पीपल हैव कस्टमाइज कर जाते हैं जैसे जहाँ के भी लोग रहने वाले होते हैं लेकिन ये जो फिननलन है हिमालय में ज़्यादा देखने को मिलता है अगेन क्लाउड बर्स्ट क्या होता है क्लाउड बर्स्ट होता है जब बहुत ज़्यादा आपका जो रेनफॉल है पानी है वो क्लाउड्स में ज़्यादा भर जाता है और एकदम से बर्स्ट करता है यानी कि जैसे कोई आपके ऊपर मग पानी का फेंक रहा था और फिर अचानक से आपके सिर के ऊपर पूरी बाल्टी फेंक दी जाए तो ये जो है बड़े लेवल पर जो फिनोमिना होता है उसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं अभी हिमालज में ही ज़्यादा देखने को क्यों ये मिलता है तो यूजुअली क्या होता है मॉनसून में आपका टेम्परेचर राइज करता है आसपास वाले एरिया का थर्मोडाइनमिक्स का लॉ कहता है कि एयर जब हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करती है तो वो कहाँ मूव करती है हिमालयाज की तरफ और जैसे वो हाइट पे मूव करती जाती है वहाँ पर क्यूमलो निम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है नाउ यहाँ पर नॉर्मल रेन बनने के बजाय वो इकट्ठा होता रहता है और हमें क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है अब इसकी वजह से वही जान माल का जो खतरा रहता है क्लाउड बर्स्ट है लैंडस्लाइड है इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा होता है जिसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे लाहौल एंड स्पीति में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है कांगड़ा में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम होना ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में अगर इस तरीके का कुछ होने वाला है तो उसके लिए रेडी हो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में बात करता है पहला है आपका मिटिगेशन देन वी टॉक अबाउट रिहेबिलिटेशन और फिर जिस भी तरीके से उसको मैनेज करना है वहाँ पर उसके बारे में बात करता है हिमालयाज़ में तीन इम्पोर्टेंट हैं जिसकी वजह से ये सारी एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं पहली आती है अर्थक्वेक तो क्या है हिमालयाज कैसे बने एक तरफ से आपकी जो दो प्लेट्स हैं वो आ रही थी बीच में टिथी सी थी और इस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है ना तो इसका मतलब ये है कि वो टेक्टोनिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एरिया है उसकी वजह से भी लैंड होते हैं फिर आता है रेनफॉल रेनफॉल मैंने आपको बताया पानी का जो मोमेंट होता है वो लैंड को डिस्प्लेस कर देता है एंड द लास्ट वन इज़ स्टीप दैट इज़ आपके जो स्लोप्स बने हुए हैं हिमालयस में सो so, इस तरीके से बहुत सारे लोगों की जान गई Uh, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं जैसे मेंस की अगर बात आती है तो ड्रोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर किया जा सकता है सेकंड वन इज़ हमारे पास में अर्ली वार्निंग सिस्टम होने ज़रूरी हैं और हमारे पास में एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स रहना चाहिए जो इसके लिए हमेशा रेडी uh, हो यानी कि जोन फोर थ्री फोर में आता है हिमाचल टेक्टोनिकली एक्टिव है सो so, हमेशा कुछ ऐसी टास्क फोर्स जो कि इस तरीके की डिजास्टर्स के लिए हमेशा सोली उनके लिए डेडिकेटेड वहां पर हो तो गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में यहाँ पर काम करती है नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी कि हिमाचल के अभी आपकी जो एक बर्थ एनिवर्सरी है वो डॉक्टर वाएस परमार की मनाई गई और वहां पर एक बुक को लॉन्च किया गया बुक का नाम है एन एपोस्टल ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी ये लिखी किसने है प्री का फैक्ट बन जाता है तो ये लिखी है डॉक्टर राजेंद्र अत्री ने उन्होंने इसके बारे इसमें बताया कि किस तरीके से डॉक्टर वाई एस परमार एक आ, हम कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे वो सोशल रिफॉर्मिस्ट भी थे और ही वॉज़ द वन जिन्होंने बहुत फोकस किया हिमाचल प्रदेश की अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए उन्होंने बात की कि किस तरीके से यूटी पहले बनाया गया फिर यूटी से स्टेट हुड की तरफ वो बढ़े और भी उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है वो एक्चुअल में खुद जो हैं सिरमौर से थे उसके अलावा वो हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम भी यहाँ पर बने तो उन्हीं को उसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए राजेंद्र अत्री जी ने जो है यहाँ पर किताब लिखी जिसका नाम है डॉक्टर वाई एस परमार मास लीडर और भी बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने काम किया है जैसे कि हमारा आ, लैंड रिफॉर्म्स हैं लैंड रिफॉर्म्स के बारे में ही ऑज़ द वन जिन्होंने कहा था कि सेल और परचेज़ बाहर के लोगों को मना होनी चाहिए क्योंकि हिमाचल के लोगों को अपनी लैंड को बचा के रखना है और वो बहुत जल्दी एक्सप्लॉयट हो जाएंगे तो इस तरीके की रेवोल्यूशनरी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लेकर आए थे नेक्स्ट आ गया साइबर फ्रॉड यूजिंग फोटोज़ ऑफ वी वी आई पीज़ तो हम लोग ये मेंस का टॉपिक रहता है क्राइम और जो आपका साइबर फ्रॉड्स हैं वो उसमें रहते हैं बहुत तरीके के होते हैं फिशिंग होती है ब्लैक मेलिंग है इसी में अभी जो नया ट्रेंड देखने को वो मिल रहा है ये आपको सतर्क रहने के लिए भी है कि वी वी आई पीज़ जैसे आप किसी को एडमायर करते हैं कोई आई एस ऑफिसर्स हैं प्रोफेसर्स हैं जुडिशल ऑफिसर्स हैं पॉलिटिशन हैं उनके पिक्चर्स को यूज़ करके वाया फेसबुक और जो आपका व्हाट्सएप है उनसे आपसे पैसे हड़प लिए जाते हैं इसके ऊपर अब गवर्नमेंट क्या कर रही है तो बहुत इस तरीके के कैम्पेन्स चलाए जाते हैं पहला आता है कि लोगों में अवेयरनेस जो है वो दी जाती है लोगों को कि इस तरीके से अपना ना तो कोई लिंक जो है ओपन करना है अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है सेकेंड इज बहुत सारे साइबर पुलिस स्टेशन्स जो हैं हिमाचल में खोले गए हैं पहला जो है आपका शिमला में था उसके बाद में ऑलमोस्ट हर एक बजट में एक एक उसमें ऐड किया जाता है और कोशिश ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका एक एक साइबर पुलिस स्टेशन हो नेक्स्ट इज स्निफर डॉग्स टू चेक ड्रग ट्रैफिकिंग इन शिमला तो ड्रग्स का जो कंजम्पशन है ड्रग्स के बारे में और भी अगर न्यूज़ रहेगी वो भी देखेंगे तो ड्रग्स का कंजम्पशन एक रिपोर्ट आई थी आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ इन इंडिया उसमें देखने को मिला कि हिमाचल काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है इन द यूज़ ऑफ चरस गांजा देन वी टॉक अबाउट ओपियोइट्स और सिंथेटिक उसके बाद में जो भी रहता है और स्पेशली पंजाब के साथ में बॉर्डर शेयर करता है तो नीचे जो आपके शिवालिक्स के डिस्ट्रिक्स हैं ऊना कांगड़ा हमीरपुर यहाँ पर स्पेसिफिकली ज़्यादा ड्रग अब्यूज देखने को मिलता है तो उसी चीज़ को एक और उसको टैकल करने के लिए एक और यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया जिसमें आपके जो ट्रेंड डॉग्स हैं वो हिडन ड्रग्स को यहाँ पर ढूंढेंगे तो वैसे चाहे आपका कोई रह भी जाए अगर पुलिस स्टेशन पुलिस वाले जो हैं मैनुअली चेक कर रहे हैं लेकिन स्निफर डॉग्स का सेंस यूज किया जाएगा तो ये यह ज़्यादा यहाँ पर इफेक्टिव रहता है नेक्स्ट न्यूज कम्स हिमाचल फार्म यूनिवर्सिटी जो हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने 368 सिक्सटी एट ऑफ राजमा जो हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं अभी हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के राजमा उगाए जाते हैं जिनके लिए जी आई मांगा जा रहा है अंडर एक ही अम्ब्रेला की आ, ये सारे के सारे जो भी आपके हिमाचली राजमा है बेसिकली उनको यहाँ पर जी आई टैग दिया जाए जी आई टैग क्यों दिया जाता है तो जी आई टैग दिया जाता है किसी चीज़ की यूनिकनेस के ऊपर कि वहाँ पर उसमें कोई इस तरीके के फीचर्स हैं आइडेंटिफिकेशन है या फिर उसके ओरिजिनलिटी पे जहाँ से वो ओरिजिन उसका है प्रोडक्ट का उसको वो कुछ यूनिक है इसके लिए जी आई टैग दिया जाता है हिम कॉस्ट हेल्प करता है हिमाचल में दैट इज़ आपका हिमाचल प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट तो ये अभी बात कर रहे हैं कि ये जो राजमा हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं स्पेसिफिकली ये जिनका नाम है त्रिलोकी राजमा इनको जी टैग दिया जाए तो प्री का फैक्ट भी अगर बनता है कि ये जो त्रिलोकी है त्रिलोकी इज़ वैरायटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये राजमा है, चने हैं या राइस है मेज़ है तो ये आपकी एक राजमा की यहाँ पर हमें वैरायटी देखने को मिलती है क्या है इसका यूनिकनेस तो यूनिकनेस वही है इट हैज़ अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं डिजीज़ फ्री है इसमें किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड uh, या फिर फर्टिलाइज़र जो है यूज़ नहीं किए जा रहे हैं जिसकी वजह से इसका कलर आपका क्रीमिश येलो देखने को मिलता है टेस्ट बहुत यूनिक है और बहुत अच्छी हेल्थ बेनिफिट्स की ये क्वालिटीज़ यहाँ पर हैं सो प्री फैट त्रिलोकी राजमा और कहाँ कहाँ पर ये है तो ये आपकी वेराइटीज़ हैं लाहौल एंड स्पीति किन्नौर कुल्लू मंडी और चंबा की फिर तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है हम लोग हिमाचली राजमा के लिए बेसिकली यहाँ पर जे आई ट मांग रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी हिमाचल प्रदेश में पहली फर्स्ट एवर हॉर्टिकल्चर पॉलिसी को नोट किया गया इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको इस न्यूज़ से तो ये आपके इंडियन एक्सप्रेस के पहले पेज पर लगी थी जिसमें देखने को हिमाचल में क्या मिला एक ट्रेंड देखने को मिला कि बहुत सारा यूथ जो है स्पेशली अपनी अच्छी खासी कॉर्पोरेट जो जॉब्स को छोड़कर कर हॉर्टिकल्चर करने के लिए हिमाचल में रह रहा है लाइक बाहर नहीं जाता वापस आ जाता है कोटगढ़ में एप्पल के जिनके ऑर्चिड हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं अब एप्पल अगर हम देखें तो 85 परसेंट जो टोटल फ्रूट प्रोड्यूस है उसमें से एप्पल उगाया जाता है टोटल एरिया 49 परसेंट एरिया में एप्पल उगाया जाता है पहले क्या था पहले एग्रीकल्चर को हम सब सेक्टर मानते थे कि हॉर्टिकल्चर जो है आपका एग्रीकल्चर का सब सेक्टर है लेकिन अभी हमें देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम से जब भी एग्रीकल्चर थोड़ा कम हुआ है और हॉर्टिकल्चर की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है तो इससे हमें पता चला कि एक स्पेसिफिकली हॉर्टिकल्चर के लिए पॉलिसी होनी बहुत ज़रूरी है जिससे कि आ, पॉलिसी में क्या बात की जाती है पॉलिसी में बात की जाती है ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या हमारे गोल्स रहेंगे आने वाले सालों में स्पेसिफिकली हॉर्टिकल्चर को लेके फिर उन गोल्स को किस तरीके से पूरा किया जाएगा स्ट्रेटजी क्या रहेगी एंड देन कौन कौन से स्कीम्स हैं जो आपके अलग से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए आए जाते हैं अभी हाई यील्ड के ऊपर ज़्यादा काम किया जा रहा है प्लांटेशन जो है छोटे एरिया में ज़्यादा की जाए इन सारी चीज़ों के ऊपर इसमें बात की जाएगी देन अगेन इसको अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ करना है जो भी आपके फ्रूट ग्रोअर्स हैं उनको पता हो कि जैसे हम कह सकते हैं आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो खराब ना हो उसको प्रोसेस करके उसमें वैल्यू एडिशन करके आप आगे भी उसको प्रोसेस करके बेच सकते हैं एच को बेचना है किस तरीके से उस पूरी क्लस्टर प्रोसेस को ईजी किया जाएगा आपके फार्मर्स के लिए या हम कह सकते हैं हॉर्टिकल्चरलिस्ट जो अलग से स्पेसिफिकली सिर्फ हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो वही बातें इस पॉलिसी में की गई हैं नेक्स्ट हमारा प्री फैक्ट हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश ओलंपिक गेम्स होस्ट कर रहा है ऊना और कांगड़ा तो इसमें बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स रहेंगे हैंडबॉल हॉकी जूडो खो खो शूटिंग बॉक्सिंग तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जब हम स्पोर्ट्स टूरिज्म की बात करते हैं तो अक्सर आपके दिमाग में क्या आता है मैंने बहुत बार पढ़ा है जैसे कोई भी आइस स्केटिंग चैम्पियनशिप है आइस हॉकी है ये सब हम लोग लाहौल एंड स्पीति में यूजुअली इसको कंडक्ट करते हैं और स्पोर्ट्स एडवेंचर के बारे में हमेशा वही सोचा जाता है या स्पोर्ट टूरिज्म के बारे में लेकिन अब जैसे आपकी ये वाले कुछ डिसिप्लिन हैं कबड्डी हो गया फ़ुटबॉल वॉलीबॉल बॉक्सिंग शूटिंग ये शिवालिक्स में ही किए जाते सकते हैं अब आप सोचो कि खो खो एकदम लाहौल एंड स्पीति में खेला जाए तो थोड़ा सा टफ़ हो जाएगा है ना तो इससे हमें पता चलता है कि जो आपके शिवालिक्स हैं उनमें टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए ये वाले स्पोर्ट्स की हम लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं एज़ वेल एज़ लाहौल एंड स्पीति जहाँ पर बर्फ़ रहती है वहाँ पर तो और चीज़ें हैं ही नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी वेरी इंटरेस्टिंग फोर्टी टू राइटर्स टू पार्टिसिपेट इन बलखू लिटरेरी यात्रा तो यहाँ पर एक इंसान है जिनका नाम था बलखू राम अब ये थोड़ा आयरोनिक भी है आयरोनिक कैसे है कि उनके नाम पे ये जो शुरू की गई यात्रा बलखू लिटरेरी वो खुद माना जाता है अनपढ़ थे और आ, लिख नहीं सकते थे तो उनका जितना भी काम है वो किसी और ने उनके लिए लिखा था ठीक है तो अभी इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये कुछ राइटर्स हैं जो चलती हुई शिमला कालका ट्रेन के अंदर अपना जो भी स्टोरीज़ हैं मेमोर्स हैं पोइट्री है वो सारी की सारी रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है लेकिन वो चलती हुई शिमला कालका ट्रेन के अंदर दो दिन का ये इवेंट रहेगा और शुरू होगा आपके बड़ों से तो यहाँ पर आपको बल्कू राम के बारे में कुछ पता होना चाहिए इनका मेंशन मैंने पहले भी किया था बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर स्टोरी है तो स्टोरी ये है, है कि अब ब्रिटिशर्स आपका ये जो शिमला रेलवे है कालका शिमला रेलवे इसको बना रहे थे और वहाँ पर टनल्स इसमें बहुत सारी है तो एक टनल्स थी इसमें और एक टनल में से एक जिसको हम जानते हैं बड़ोग टनल तो बड़ोग टनल इसमें से सबसे लंबी है और उसको कैप्टन बड़ोग ने यहाँ पर बनाना शुरू किया तो सिंस पहाड़ बड़े बड़े थे तो उन्होंने क्या किया एक साइड से भी खोदना शुरू किया और दूसरी साइड से भी और फिर क्या हुआ कि वो आपस में मिली ही नहीं यानी कि जो भी है सिंस पहाड़ बड़े बड़े पहाड़ थे उनको नहीं आइडिया था तो वो कुछ टेढ़ी मेढी चली गई और वो जो टनल है वो आपस में मिली ही नहीं अब इसका उनको जो है फ़ाइन देना पड़ा कैप्टन बड़ोग को फ़ाइन लगाया गया और वो इतने डिप्रेशन में चले गए दैट ही कमिटेड सुसाइड इसी के बीच में क्या होता है जो आपके ये बलखू हैं बल्खू राम ये निकल कर आते हैं और कहते हैं जो हमारे लोकल डीटीज हैं जो मेरे हमारे लोकल देवता हैं उनकी कृपा मेरे ऊपर है मैं तुम्हें बताता जाऊंगा कहाँ से निकालना है और तुम उसको वहाँ से ही पास को अगर तुम आगे बढ़ोगे तो क्या होगा तुम्हारी जो टनल है ये आ जाएगी मतलब मिल जाएगी आपस में तो उस वक्त जो उनके इंजीनियर थे उनका नाम था एच एस हैरिंगटन तो माना जाता है कि उन्होंने वहाँ पर वो बल्कुराम की सारी बातें मानते गए और बाद में जो है ये शिमला कालका रेलवे उन्होंने फिनिश किया दोनों ने मिलके तो बल्कुराम के पास में कुछ इस तरीके की हम कह सकते हैं पावर्स सुपर पावर्स की बात की जा रही है इसमें जो कि उनके देवी देवताओं ने उनको दी थी बाद में इनफैक्ट माना जाता है कि जो आपका हिंदुस्तान तिब्बत रोड प्रोजेक्ट है उसमें भी उनका इनसाइट जो है लिया क्या उन्ही को कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पर यह मनाया जा रहा है नेक्स्ट न्यूज कम्स एन एफ एल चे टू बी सेटअप इन पालमपुर एग्रीवर्सिटी तो पालमपुर की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भी अपनी सीट जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक जो बंदा है उनका वहाँ पर भी बैठेगा मतलब क्या है इसका इसका मतलब ये है कि फ़र्टिलाइजर्स के एरिया में एग्रीकल्चर है या फिर हॉर्टिकल्चर है तो ये आपका जो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है ये लोग मिलकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ में टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे अलग अलग, अलग वैराइटीज़ हैं क्रॉप्स की क्रॉपिंग पैटर्न हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज अपने न, यूज में लाती हैं एग्रीकल्चर में चीज़ें उनको भी यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाएगा नेक्स्ट न्यूज़ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड तो उन्होंने ये आपका एक पी एस यू है जो कि डैम्स बनाता है बेसिकली अलग अलग जगह पे हम लोग बेचते हैं चाहे वो नेपाल हो या फिर यूपी हो और उसमें हम लोग अभी जो है एक आपका मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट खोलने ओपन करने वाले हैं ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है एस वी एन साथ में लास्ट में एक बार इकट्ठा पढ़ लेंगे नेक्स्ट कम्स हमीरपुर के विकास ठाकुर ने आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स uh, है उसमें सिल्वर मेडल जीता यहाँ पर दो तीन चीज़ें स्पोर्ट्स के ऊपर एक या दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं तो ये आपको अपने स्पोर्ट्स सेक्शन में इस न्यूज़ को डाल देना है यहाँ पर एक चीज़ के विकास ठाकुर कहाँ से थे हमीरपुर से थे कौन सा मेडल जीता सिल्वर मेडल जीता किस चीज़ में कौन सी कैटेगरी में दैट इज मेंस वेट लिफ्टिंग नाइन्टी सिक्स किलोग्राम कैटेगरी इन कॉमनवेल्थ गेम्स नेक्स्ट न्यूज़ इज शिमला गेट्स 18 टैक्सीज अंडर राइड विद प्राइड स्क्रीम तो यहाँ पर एक आपकी जो स्कीम है वो शुरू की गई उसका नाम है राइड विद प्राइड अब अगर आपको पता हो कि स्मार्ट सिटी एक प्रोजेक्ट है और इससे पहले वहाँ पर शिमला में ना बहुत सारी थोड़ी डेवलपमेंट करने की चीज़ बात की जा रही थी और एक अलग से उसके लिए प्लान बनाया गया था लेकिन एन जो आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसने कर दिया मना कि देखो ये जो एरिया है इसको हम छू नहीं सकते और इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव है तो वो मना कर दिया गया तो स्मार्ट सिटी शिमला प्रोजेक्ट के अंडर यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस की जा रही हैं जैसे जाखू में एस्केलेटर किया गया तो उसी के अंडर ये राइड विद प्राइड जो कि आपके छोटे डिस्टेंसेस में आपकी कैब्स चलने वाली हैं उनको यहाँ पर लॉन्च किया गया नेक्स्ट न्यूज़ टू डे लाहौल टूरिज्म फेस्ट बिगिंस इन जिस्पा मैंने इसको सिर्फ इसलिए डाला है कि जिस्पा कहाँ पर है तो जिस्पा आपका लाहौल इन स्पीति में है अगेन अगर मैं बात करूँ टूरिज़म की तो ये मैंने टूरिज़म पॉलिसी में बहुत बार बात की है यहाँ पर हम हिमाचल के ट्रेडिशन को कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और स्पेशली जब हम किसी एक स्टेट की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग लाहौल एंड स्पीति का इको टूरिज्म यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में हम टूरिस्ट को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकें नेक्स्ट इज ऑल्सो प्री फैक्ट कि हिमाचल प्रदेश ने एक एन के साथ में यहाँ पर मिलकर क्लासरूम्स को स्मार्ट बनाने की बात की है अब आप स्मार्ट क्लासरूम से तो अभी कोविड के बाद में हम सब लोग जान सकते हैं जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे पढ़ रहे हैं वैसे ही स्कूल में जो है इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा ताकि बच्चों को एक अच्छा इन्वायमेंट uh, मिले टेक्नोलॉजिकली uh, साउंड हो और थोड़ा टेकी टेकी बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं इसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जैसे कि टीचर्स को वहाँ पर ट्रेन uh, करना पड़ेगा किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर uh, जो है उसको वहाँ पर लगाया जाएगा तो एन का नाम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एन का नाम है संपर्क एफ एल एन दैट इज़ फाउंडेशन लिटरेरी एंड न्यूमरेसी टी वी फॉर स्कूल्स तो संपर्क के साथ में मिलकर हिमाचल की गवर्नमेंट स्कूल्स को क्लासरूम्स को स्मार्ट बनाना चाहती है सो दैट इज इट फॉर टुडे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग